आधार के कारण परेशानी का सामना कर रहे लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अभी भी देश में कई ऐसे लोग हैं जो आधार से जुड़ी तकनीकी खामियों का शिकार हैं। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के मुरैना में रहने वाली 76 साल की नीला हर्डिकर एक रिटायर्ड स्कूल टीचर है। 2013 में उन्होंने आधार में अपना नामांकन दिया था, लेकिन 2017 तक उन्हें उनका आधार कार्ड नहीं मिला, न डाक के जरिए न मेल पर। सबसे पहले परेशानी ये कि 2013 में मैंने नॉमिनेशन किया था, लेकिन उसका आधार कार्ड आया ही नहीं। फिर मैंने डाक से आने की राह देखने के बाद फिर ऑनलाइन लेने की कोशिश की। अच्छे अच्छे एक्सपर्ट जो कंप्यूटर के, उनको भी कहा, मगर हम आधार अपना ले नहीं सके। चार साल बाद जब उन्हें मुरैना के एडीएम की मदद से उनका आधार कार्ड हासिल भी हुआ, तो उसमें उनकी सारी जानकारी गलत डाली गई थी। वो कहती है कि जब वो आधारशिला अपना डेटा अपडेट कराने पहुंची, तो उन्हें कहा गया कि एक बार में सिर्फ दो ही गलतियां सही की जा सकती हैं। एक तो मेरे बायोमेट्रिक्स बदल गए थे, और दूसरा उन्होंने कहा कि फिर भी हम आपका डाटा सुधार देंगे, और बात तय हो गई कि डाटा सुधार देंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा है कि एक समय में हम सिर्फ दो त्रुटियां आपकी सुधार सकते हैं, उससे अधिक अगर त्रुटियां सुधारनी हो तो आपको दोबारा आना पड़ेगा। कुल मिलाकर उनके आधार कार्ड में चार गलतियां हैं, और वो कहती हैं कि वो उस डेटा को बदलवाने क्यों दो बार जाए जब उनकी तरफ से दी गई जानकारी में कोई गलती नहीं है। इस बारे में उन्होंने प्रधानमंत्री को भी चिट्ठी लिखकर जवाब मांगा है। उनके सवालों को UIDAI को भेज दिया गया है। नीला अकेली नहीं है। कोलकाता में रहने वाले 76 साल के जोगिन सेन गुप्ता भी आधार के कारण कुछ ऐसी ही परेशानियों का सामना कर रहे हैं। उनको गैस सब्सिडी हासिल करने के लिए LPG से अपना आधार कार्ड जोड़ना था, लेकिन उनके बायोमेट्रिक्स मैच ना होने के कारण अभी तक वो लिंक नहीं हो सका है। आधार कार्ड करना पड़ेगा, तब मेरा आधार कार्ड को लेके कराने में बहुत तकलीफ हुआ। तो उसके बाद बहुत मुश्किल से आधार कार्ड कराने के बाद भी मेरा गैस सब्सिडी का मैं बंदोबस्त नहीं कर पाया, क्योंकि वो बायोमेट्रिक्स में मैच करना मुश्किल होता था। इन सबके बीच इनका एक ही सवाल है कि उनकी तरफ से दी जाने वाली जानकारी में कोई गलती नहीं है, तो इसका खामियाजा उन्हें क्यों उठाना पड़ रहा है। नमिता सिंह, गो न्यूज़।